हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम देखेंगे आपके MST CET MCQs चैप्टर 5 ओरिजिन एंड एवोल्यूशन के लेवल 1 के आंसर्स। तो देखो, आज सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन था। बैरियर्स टू सक्सेसफुल इंटरब्रीडिंग बिटवीन रिलेटेड स्पीशीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट। ओके, सो अगर आपको किसी भी इंडिविजुअल स्पीशीज के बीच में इंटरब्रीडिंग स्टॉप करवाना है, यानी इंटरब्रीडिंग नहीं करवाना है, तो हम दोनों स्पीशीज को अलग अलग कर देते हैं और उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, आइसोलेटिंग मैकेनिज्म, क्योंकि ये बाकी के तीन जो है ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म का टाइप है। सो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इज द मेन आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल मैकेनिज्म किसमें देखा गया था। हमने पढ़ा था कि जो हमारे बिस्टन, कौन से ऑर्गेनिज्म, जो हमारे बिस्टन बेटुलेरिया एंड बिस्टन कार्बोनेरिया, ये जो दो ऑर्गेनिजम्स थे इनका कॉमन नेम क्या था, कार्बोनेरिया। ये जो दो ऑर्गेनिजम्स थे इनका कॉमन नाम क्या था, पेपर्ड मॉथ करके जो इंसेक्ट था, जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म से पहले कैसे इवोल्यूशन दिखाया उन्होंने और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म के बाद वो कैसे ब्लैक हो गए। सो पहले ब्लैक स्पीशीज डेंजर में थी, बाद में व्हाइट स्पीशीज डेंजर में आ गई, तो इसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ओके, विच वाज शोन बाय पेपर्ड मॉथ। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपके थ्योरी में दिया है, टेक्स्ट बुक का थ्योरी ओपन करो जहां पर नेचुरल सिलेक्शन वाला पार्ट है, उधर पे ये एग्जाम्पल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड स्टेरिलिटीज फाउंड इन। देखो, मैंने आपको बताया था जब हॉर्स और डोंकी एक साथ, देखो ये दो अलग अलग स्पीशीज है, दिस इज स्पीशीज A, this is species B. जब ये दोनों एक साथ रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमको म्यूल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, म्यूल। और म्यूल के लिए दूसरा नाम है हिन्नी। सो हिन्नी आर नॉन स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स, या दे आर इनफर्टाइल ऑर्गेनिजम्स, सॉरी दे आर स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स, या आप बोल सकते हो दे आर नॉन फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स। स्टेरिलिटी या नॉन फर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो हिन्नी यानी कि खच्चर, जो वो केदारनाथ मूवी में यूज किए गए ना, लोड्स उठाने के लिए यूज किए जाते हैं, वजन उठाने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Diversity in the type of beaks of finches adopted to different feeding habits on the Galapagos Islands are as observed by Darwin provides evidence for. देखो, डार्विन्स ने डार्विन्स फिंचेस जो बर्ड्स थे उनके ऊपर जब स्टडी किया गया तो क्या ऑब्जर्व किया था चार्ल्स डार्विन ने, कि पहले बर्ड्स का बीक मोटा था, लेकिन धीरे धीरे करके इवोल्यूशन के वजह से उनका बीक कैसा हो गया, छोटा हो गया और पतला हो गया। धीरे धीरे करके उनका बीक कैसे हो गया, छोटा हो गया और पतला हो गया। तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील इन एन आइसोलेटेड पॉपुलेशन मे चेंज ड्यू टू। देखो, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, समझो ये आपका एक एरिया है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को हम जीन पूल बोलते हैं। अब इसमें से अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म मूव हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है या गायब हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म गायब हो जाएगा और इसके वजह से टोटल फ्रीक्वेंसी में असर आएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पे गायब हो जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीन्स एंड द ट्रेंड्स ऑफ चेंज इज नोन एज व्हाट। अगर आप अलग अलग जीन्स के बारे में स्टडी कर रहे हो और वो कैसे बदलते हैं उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, तो आप अलग अलग पॉपुलेशन पढ़ रहे हो, जितने भी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया में है आप उन सब ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हो, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं उस स्टडी को हम, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडिविजुअल्स ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन फेल टू इंटरब्रीड ड्यू टू। अगर समझो दो इंडिविजुअल्स है ए और बी, लेकिन ये इंडिविजुअल अलग लोकेशन से, ये इंडिविजुअल अलग लोकेशन से, तो दोनों का रिप्रोड्यूस करने का तरीका अलग होगा, दोनों का रिप्रोड्यूस करने का बिहेवियर अलग होगा। सो इस बिहेवियर के वजह से ये दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं लेकिन अलग अलग एरिया से हैं, सेम स्पीशीज के हैं लेकिन अलग अलग एरिया से हैं, तो दोनों का बिहेवियर अलग है। इस वजह से ये कौन से टाइप का आइसोलेशन दिखाएंगे, बिहेवियरल आइसोलेशन। ये कौन से टाइप का आइसोलेशन दिखाते हैं हमें, बिहेवियरल आइसोलेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीन पूल। जीन पूल मतलब क्या होता है, पूरे पॉपुलेशन का टोटल जीन्स कैलकुलेट करना। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूल बोला मतलब सब ऑर्गेनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्रिफ्ट विल बी इफेक्टिव इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट किधर पे देखने को जल्दी मिलता है, मतलब कहाँ पे फ्रीक्वेंसी फटाक से देखने को मिलती है। देखो आपको एक एग्जांपल देती हूँ, समझो एक एरिया है यहाँ पे 5 लोग रहते हैं और दूसरा एरिया है यहाँ पे 10 लोग रहते हैं। अगर इस एरिया में से कोई एक इंसान कम हो गया तो इधर पे फटाक से पता चलेगा कि इधर पे कुछ तो हुआ है, मतलब इधर पे जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से एक ऑर्गेनिज्म ही गायब हो गया या अलील्स गायब हो गए। और यहाँ पे अगर एक इंसान कम होगा तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा क्योंकि अभी भी 9 लोग हैं, क्राउड ज्यादा है। सो स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट जल्दी देखने को मिलता है क्योंकि उधर पे क्या यूनिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। सो स्मॉल पॉपुलेशन जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। ओके, ऑलराइट, आगे देखो क्या बताया गया है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दी थी हमको, ये तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं। चार्ल्स डार्विन ने हमको नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी दिया था, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। जब ह्यूमन इवोल्यूशन आपने पढ़ा, देखो टेक्स्ट बुक का लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, ह्यूमन जब इवॉल्व हो रहे थे तो उनके अंदर कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिले। ह्यूमंस ने 2 पैर पे चलना स्टार्ट किया, करेक्ट, बाइपेडलिज्म। वो अलग अलग कल्चर्स फॉलो करने लगे, करेक्ट। उनके ब्रेन साइज में इंक्रीमेंट हुआ, करेक्ट। लेकिन ह्यूमंस इवॉल्व हुए तो उनकी डेवलपमेंट थोड़ी हुई टेल की, उल्टा धीरे धीरे करके टेल गायब होने लगी। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। हमको क्या बोला, विच इज नॉट एन असेंशियल फीचर, तो इसमें से कौन सा फीचर ह्यूमन इवोल्यूशन का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नियर अबाउट डैश सीसी was the cranial capacity of Neanderthal man? Neanderthal man का cranial capacity ज़्यादा बड़ा था, okay? Human से भी ज़्यादा बड़ा Neanderthal man का था और उनका cranial capacity सबसे बड़ा था, 1600 cubic centimeter. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ एन एप एंड मॉडर्न मैन। अगर आप एक एप का एग्जांपल लो और एक मॉडर्न मैन का एग्जांपल लो तो एप का क्रेनियल कैपेसिटी आपके टेक्स्ट बुक के कॉलम में कितना दिया है। देखो टेक्स्ट बुक के एंडिंग में ह्यूमन इवोल्यूशन का जो एक कॉलम है उधर क्रेनियल कैपेसिटी करके एक रो दिया गया है, ओके? उसमें दिया है कि एप का क्रेनियल कैपेसिटी होता है अप्रोक्सीमेटली 500 सीसी और मॉडर्न मैन का होता है अप्रोक्सीमेटली 1500 सीसी। तो दोनों को माइनस करो, कितना डिफरेंस आता है, 1000 सीसी का डिफरेंस आता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, अप्रोक्सीमेटली 1000 सीसी। अब आगे देखो क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ओरिजिन ऑफ अर्ली एंथ्रोपॉइड्स फ्रॉम टार्सियर्स एंसेस्ट्री सपोर्टेड बाय। ये क्वेश्चन टोटली आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में जो कॉलम है, एकदम फर्स्ट या सेकेंड पेज पे जो टेबल है जहाँ पे अलग अलग मैमल्स और अलग अलग एनिमल्स का इंफॉर्मेशन दिया गया, ये उधर से है। अगर आपने वो टेबल अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है कि आंसर पैरापिथेकस है। ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक का जो फर्स्ट या सेकेंड पेज है उसमें जो आपको टेबल दिया गया है उस टेबल में ये है, मैंने उस टेबल में से ये क्वेश्चन डाला है। सो अगर आपको वो टेबल याद है तो ये क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों का ये आंसर गलत आया होगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके आंसर नहीं करना है आपको। अगर कंटेंट पता है तो आप आंसर दे पाओगे, नहीं पता है तो आंसर नहीं दे पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, प्राइमेट्स। ये भी क्वेश्चन वहीं से है, ह्यूमन बींग्स कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, प्राइमेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉसिल फ्यूल्स ऑफ क्रो-मैग्नन मैन वर ऑब्टेन्ड इन। आपके टेक्स्ट बुक का जो लास्ट टेबल है, जो लास्ट टेबल है उस टेबल में से ये क्वेश्चन दिया गया था कि क्रो-मैग्नन मैन के फॉसिल्स कहाँ पर मिले थे, फ्रांस में। क्रो-मैग्नन मैन के फॉसिल्स कहाँ पर मिले थे, हमको फ्रांस में मिले थे। ओके, सो अगर वो टेबल याद है ना तो आपको ये आंसर्स आएंगे, अगर टेबल याद नहीं है तो आंसर याद नहीं आएंगे। और एग्जाम में देखो इस साल बहुत सारा सिलेबस डिलीट हो गया है, मतलब 2021 के बच्चों के लिए। सो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, डिलीटेड सिलेबस में से पढ़ना है तो आप कुछ भी ऑप्शन में मत छोड़ो, जितना है उतना अच्छे से करो। जितना भी टेबल आपके पार्ट में इंक्लूड किया गया है वो टेबल पढ़ो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि सब क्वेश्चन उधर से ही आए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू वर्ल्ड मंकी। ये भी एग्जाम्पल आपको दिया है, न्यू वर्ल्ड मंकी का एग्जाम्पल क्या है, स्पाइडर मंकी इज द न्यू वर्ल्ड मंकी। ड्रायोपिथेकस इज कंसिडर्ड टू बी क्या, ड्रायोपिथेकस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। ड्रायोपिथेकस एप और मैन का कॉमन एंसेस्टर है। ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो आपके टेबल में दिया गया है, एंडिंग वाले टेबल में, लास्ट टेबल में। ओके, फीमेल्स शो मेंस्ट्रुअल साइकिल अदर देन ह्यूमन फीमेल्स। कौन से एनिमल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है अदर देन ह्यूमन, एप्स में। कौन से फीमेल्स में, क्योंकि एप हमारे एंसेस्टर्स है तो उनमें भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता था और ह्यूमन फीमेल्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन, डैश आर इंक्लूडेड इन होमिनोइडे। होमिनोइडे में कौन से होमिनोइडे फैमिली में कौन से पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है? एप्स एंड मैन। ये आपके सिलेबस में स्टार्टिंग में जो टेबल दिया गया है उस टेबल में ये पॉइंट मेंशन किया गया है। सो पूरा कंक्लूजन, ये पूरा का पूरा लेवल किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है? आपके सिलेबस के स्टार्टिंग का टेबल एंड एंडिंग का टेबल, सिर्फ यही दो टेबल्स आपको आने चाहिए, स्टार्टिंग का टेबल एंड एंडिंग का टेबल। ये दोनों अगर आपने मिस कर दिया तो आपको इस चैप्टर के 2 से 4 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप ये मार्क्स लूज कर दोगे। ऑलरेडी ये चैप्टर डिलीटेड है तो प्लीज, ये चैप्टर डिलीटेड है, इसमें का इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ो। एम आई क्लियर? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का जो पार्ट है उसका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पढ़ो, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी के लिए इतने क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, सी यू सून।